लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम दे दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया से माफी मांगने को लेकर आम आदमी पार्टी में बवाल जारी है। पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष सुखपाल खैरा ने आज शाम 4 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है। सुखपाल खैरा केजरीवाल के माफीनामे से बहुत नाराज हैं। तो आम आदमी पार्टी में एक उथल पुथल मच गई है, जब से मजीठिया से केजरीवाल ने लिखित माफी मांगी है। और जाहिर सी बात है, विधायकों की नाराजगी भी गलत नहीं कही जा सकती है। मजीठिया को लेकर ही आप पूरा चुनाव लड़े, आपने उनके ऊपर ड्रग के धंधे में शामिल होने का आरोप लगाया, और अब इस रिटर्न माफी के बाद वो पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाता है। शाम 4 बजे 20 विधायकों की बैठक बुलाई है सुखपाल खेड़ा ने। ये नेता विपक्ष है, आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी पहले, एक नाराजगी को जाहिर कर दिया है और 20 विधायकों की जो इन्होंने मीटिंग है वो बुलाई है आज शाम को 4 बजे। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट है आपके पास? ये नाराजगी बढ़ती ही जा रही है अरविंद केजरीवाल से उनके अपने विधायकों की। देखिए, पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा ने आज शाम 4 बजे जो है तमाम 20 विधायकों की मीटिंग बुलाई है। वैसे तो कहा जा रहा है कि मीटिंग मंगलवार से शुरू होने वाली थी पंजाब विधानसभा में सुबह, क्योंकि बजट सत्र है इसलिए जो है पहले ही मीटिंग जो है बुला ली गई सुबह थी। अब 4 बजे बुलाई गई है और पूरी रणनीति तैयार करने की बात की गई है और विधायकों में काफी नाराजगी है। हालांकि वो कुछ बोले नहीं, कल दिल्ली भी वो गए थे, लेकिन उनको ये था कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह कहा कि काफी ज्यादा मामले चल रहे थे लेकिन उससे उनका स्टैंड क्लियर नहीं होता है, इसको लेकर आज LOP जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुखपाल खैरा, उन्होंने मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा जो 10 विधायक रविवार को अरविंद केजरीवाल से जो मिले थे, मनीष सिसोदिया से मिलकर लौटे हैं, वो दिल्ली आला कमान के पक्ष में सुखपाल खैरा और अन्य नाराज विधायकों के सामने रख सकते हैं कि क्या वहां पर बातचीत हुई और उन्होंने क्या अपनी प्ली दी है, क्या एक्सक्यूज दिया है, और इसको लेके आज पूरी 4 बजे मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। अब तक जो रेजिग्नेशन फाइल किए गए थे आम आदमी पार्टी के आला कमान ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए।